दोस्तों स्वागत है आपका मैथोफिलिक एजुकेशन में। तो चलिए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जब हम बात करेंगे उनकी तो वहां पर ये टॉपिक यूज आने वाला है। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर, इनका यूज लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत ज्यादा होने वाला है। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, और ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ माइंड वाला गेम खेलते हैं, कुछ अच्छा सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, एवरी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो। देखिए, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर मींस व्हाट, कि कोडोमेन जो होगा मेरे पास, जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ओके, एफ सच दैट एन टू आर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ सच दैट एन टू एन, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो जो कोडोमेन होगा क्या होगा, यहां पर नेचुरल नंबर होगा। तो हम वहां पर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर मेरे पास सीक्वेंस कैसी, लाइक नेचुरल नंबर से, हम लोग नेचुरल नंबर के लिए ही देख रहे हैं, तो मेरे पास जो भी, मतलब यहां वन से ही तो स्टार्ट होगा ना, जो इसका रेंज सेट आएगा वो क्या होगा, मिनिमम तो होगा ना वन टू थ्री फोर, ऐसा होगा। तो मेरे पास बाउंडेड बिलो तो होगी ही हमेशा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये लिखा हुआ है कि एवरी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरे पास, इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट। अब देखिए यहां पर सारी चीजें अच्छे से समझेंगे हम लोग, अगर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर के पास लिमिट पॉइंट है, देन इट विल बी अ नेचुरल नंबर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास जो रेंज आएगी वो कहां से आने वाली है, वो नेचुरल नंबर से ही आने वाली है, वो कोडोमेन से ही आने वाली है। तो मेरे पास बेसिकली वो होगा क्या, कुछ भी मेरे पास रेंज में नंबर आएगा वो मेरे पास नेचुरल नंबर ही होगा। और अगर आप कह रहे हो कि लिमिट पॉइंट जो है मेरे पास वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट जो आएगा वो क्या आने वाला है, वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। ओके, तो एंड विल अपियर इन द सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस इन फाइनाइट टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, की सीक्वेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर उसके पास लिमिट पॉइंट है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक कांस्टेंट सबसीक्वेंस मिलेगी, इसका मतलब यहां पर ये होता है। ओके, लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है, यहां पर लिमिट की बात नहीं कर रहा है, सीक्वेंस की कन्वर्जेंट की बात नहीं कर रहा है, वो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है। तो लिमिट पॉइंट हम लोग बोलते कैसे हैं, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तब बोलते हैं जब उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म सीक्वेंस की लाई करती है। ओके, तो लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है अगर यहां पर, तो आप देख सकते हो कि यह क्या होगा, क्योंकि आप ऐसे ही देख सकते हो कि अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर पिक करते हैं, अगर हम यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर पिक करेंगे, उसका नेबरहुड बनाएंगे, तो आप देख सकते हो अगर मैं 1/2 लिया एप्सिलॉन मान लीजिए, तो अगर मैं एप्सिलॉन नंबर, लाइक अगर मैंने कोई नेचुरल नंबर पिक किया उसके इर्द गिर्द, कहने का मतलब है इधर उधर मैंने अगर नेबरहुड, लाइक उसका अगर मैंने नेबरहुड क्रिएट किया, तो उसके अंदर कितने पॉइंट आएंगे, केवल और केवल वही नेचुरल नंबर आने वाला है। क्योंकि इंटरसेक्शन भी हम लोग एन के साथ करते हैं ना, सीक्वेंस के साथ लिमिट पॉइंट, थोड़ा सा आपने देखा होगा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए, कि मेरे पास जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट बोल रहे हो उसके नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म लाई करनी चाहिए। तो अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर पिक करूंगा, ओके, कोई भी नेचुरल नंबर पिक करूंगा, उसके बगल में अगर मैं नेबरहुड बनाऊंगा, तो वो मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आने वाली है, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको पता ही है जैसा कि, तो हमारे पास नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म नहीं आएगी। कौन सी टर्म आएगी, केवल और केवल वही नेचुरल नंबर आएगा। क्या समझ पा रहे हो आप, अगर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर है तो ये बात समझ पा रहे होगा आप। ओके, तो मेरे पास क्या हो, विल अपीयर इन द सीक्वेंस इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब वही पॉइंट केवल आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जब वो बोल रहा है ना उसके पास लिमिट पॉइंट है, तो क्या कह सकते हो इस चीज को, कि वही पॉइंट जो होगा वो बार बार रिपीट करेगा मेरे पास। ओके, दैट इज P belongs to natural number. अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को, P belongs to natural number such that an is equals to P. मतलब यहां पर क्या है कि सीक्वेंस के टर्म्स जो होंगे वो P ही होंगे। P belongs to natural number, एक natural number का मैंने कोई ले लिया P, जो क्या होंगे सीक्वेंस के टर्म्स। देखिए, कभी भी अगर लिमिट an is equals to P लिखा हो तो हम क्या कहेंगे कि an P पर कन्वर्ज कर रहा है, an p पर कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन अगर जस्ट an is equals to p लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना वो p है।
जो सीक्वेंस की टर्म आ रही है, जैसे मैं कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास an इसको से 1 लिया तो वो क्या है, मेरे पास 1 1 1 1 ऐसे है। तो इसी तरह देख सकते हो, फॉर इनफाइनाइट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सीक्वेंस की ये जो टर्म आएगी, सॉरी ये सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स p p p p ऐसे आएगी। ओके तो ये मेरे पास हुआ, दैट इज इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट, ओके देन इट हैज अ कांस्टेंट सब सीक्वेंस। अगर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर के पास क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो एक सब सीक्वेंस कांस्टेंट जरूर मिलेगी आपको। आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगे इसके, तो इसी से आप एक सब सीक्वेंस बना लोगे और वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो कांस्टेंट सब सीक्वेंस हम बना सकते हैं आराम से। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज डाइवर्जेंट। अगर मान लीजिए सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर की सीक्वेंस अगर मेरे पास डाइवर्ज कर गई, ओके तो क्या होगा, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई इट हैज नो लिमिट पॉइंट। अगर मेरे पास ये जो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है वो डाइवर्ज कर गई तो मेरे पास क्या होगा, इट हैज नो लिमिट पॉइंट। और अगर किसी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, वो डाइवर्ज करेगी। अच्छा चलिए आपका यहां पर एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि एक्चुअली मैं लगभग 70-80% रूटीन को फॉलो करता हूं, तो एक कंफ्यूजन होती है कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ओके तो उनमें थोड़ा सा हम कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ओके ये पॉइंट अभी हम आगे देखेंगे। यहां पर अब जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ बात करता हूं मैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ओके और एक मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट बना रहा हूं प्रॉपरली डाइवर्जेंट अपनी तरफ से। ओके देखिए ये कन्वर्जेंट है, इसका तो सबको क्लियर है फंडा। डाइवर्जेंट मतलब उनको भी बोल देंगे जो ऑसिलेटरी नहीं होती, जैसे मैं बात करता हूं 1 n, n even तो 1 n odd तो मेरे पास n, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट, इसको हम लोग डाइवर्जेंट बोल देंगे। और प्रॉपरली डाइवर्जेंट मीन्स n इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी जा रही है, माइनस इंफिनिटी सीक्वेंस जा रही है, उसकी कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपरली डाइवर्जेंट है वो। ओके परफेक्टली डाइवर्जेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो डाइवर्जेंट में मेरे पास यह जाएगा, ऑसिलेटरी का नाम नहीं लेंगे हम। ओके जैसे माइनस वन की पावर एन, तो मेरे पास वो डाइवर्जेंट में आ जाएगी। ओके तो ये रूटीन हो गया, बाटले हो गया, ये इसी को फॉलो करते हैं। तो ऑसिलेटरी नाम का वो वर्ड ही यूज नहीं करते, बस ये है कि हाँ ऑसिलेट करती है तब ठीक है, लेकिन बाकी वो डाइवर्जेंट प्रॉपरली मतलब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट देखा करते हैं। ओके तो जो मेरे पास ऑसिलेटरी टाइप की आएंगी और डाइवर्ज करेगी तो उसको मैं इस कैटेगरी में रखूंगा। ओके तो आप इस तरह से आप सोचिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके तो ये रही बात। अच्छा तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट मीन्स डाइवर्जेंट हो रही है, तो हम लोग वही बात कर रहे हैं इसमें। ओके तो अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज डाइवर्जेंट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई इट हैज नो लिमिट पॉइंट। अगर प्रॉपरली डाइवर्जेंट है तो उसकी कोई सब सीक्वेंस नहीं मिलने वाली है। यहां पर प्रॉपरली डाइवर्जेंट की बात हो रही है। ओके नहीं तो आप कह दोगे सर 1 और n ले ली हमने, प्रॉपरली डाइवर्ज तो कर रही है लेकिन इसकी एक सब सीक्वेंस भी मिल गई हमको। ओके तो यहां पर प्रॉपरली डाइवर्जेंट की बात कर रही है कि ए सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज डाइवर्जेंट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बट इट हैज नो लिमिट पॉइंट। जैसे n हो गया, n स्क्वायर हो गया, n प्लस 1 हो गया, ओके 2 पावर n हो गया, तो इनकी कोई भी सब सीक्वेंस नहीं मिलने वाली है, या हम बोल सकते हैं इनका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ओके और अगर किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। ओके लास्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट डाइवर्जेंट, अगर वो डाइवर्जेंट नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो कि मेरे पास क्या, अगर वो डाइवर्जेंट नहीं है मतलब प्लस इंफिनिटी पे नहीं जा रही है, तो आपके पास एक ही केस बनता है कि कन्वर्जेंट होगी। और वो कैसे कन्वर्जेंट होगी, इट हैज अ कॉन्स्टेंट सब सीक्वेंस, हम ये बोल सकते हैं कि वो इट हैज अ कॉन्स्टेंट सब सीक्वेंस। ओके लाइक इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट डाइवर्जेंट देन हम ये बोल सकते हैं, अभी कन्वर्जेंट के बारे में नहीं कह सकते। ओके इट हैज अ कांस्टेंट सब सीक्वेंस, उसके पास एक कांस्टेंट सब सीक्वेंस होगी। कैसे बोल सकते हो आप, क्योंकि वो डाइवर्ज कर नहीं रही है और नेचुरल नंबर की मेरे पास सीक्वेंस है तो प्लस इंफिनिटी पे नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक टर्म जरूर ऐसा होगा जो इनफाइनाइट टर्म्स रिपीट करेगा। जैसे 1 और n की बात कर लेते हैं, 1 और n की बात कर लेते हैं, उसमें प्रॉपरली डाइवर्जेंट लगा दीजिए। ओके अगर हम अपनी लैंग्वेज बोले और इसमें ये मेरे पास डाइवर्जेंट है, तो इट्स नॉट डाइवर्जेंट मतलब मेरे पास अगर 1 n अगर हम लोग लेते हैं यहां पर। ओके तो अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर मेरे पास डाइवर्जेंट सॉरी इफ अ सीक्वेंस ऑफ हाँ प्रॉपरली डाइवर्जेंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, कि अगर मेरे पास
डाइवर्जेंट प्रॉपरली नहीं है, ओके तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इट हैज अ कांस्टेंट सबसीक्वेंस, ओके। तीन केस मैंने जैसे कि बताए, बस कंफ्यूज नहीं होना है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, प्रॉपरली डाइवर्जेंट। प्रॉपरली डाइवर्जेंट मींस मतलब वो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जाना ही जाना है उसको, ओके तो बस वही प्रॉपरली कहीं हम केस यहां पर ले रहे हैं, ओके। डाइवर्जेंट है तो हम उसको ऐसे जैसे वन और एन लिया हम उसे भी देख सकते हैं, ओके तो यहां पर ये हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट प्रॉपरली डाइवर्जेंट, ऐसा ही बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट हैज अ कांस्टेंट सबसीक्वेंस। यहां पर प्रॉपरली लगा सकते हो आप, ओके तो इट हैज अ कांस्टेंट सबसीक्वेंस, इसके पास एक कांस्टेंट सबसीक्वेंस होगी, ओके तो ये पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है, इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज an इज इवेंचुअली कांस्टेंट, an इज इवेंचुअली कांस्टेंट। अच्छा, मेरे पास अगर ये देख सकते हो इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर कन्वर्जेंट हो गई, तो भाई उसके नेबरहुड में क्या होना चाहिए, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स लाई करने चाहिए, ओके सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स लाई करने चाहिए, फाइनाइट बाहर रहे कोई मतलब नहीं है, ओके कन्वर्जेंट हम तभी बोलेंगे उस चीज को। तो मेरे पास वो कैसी होगी सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट होगी। कैसे होगी वो हम प्रूव करते हैं। जैसे कि मेरे पास इफ एन is an is sequence of natural number, okay? इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा, इवेंचुअली कॉन्स्टेंट ही कैसे हम बोल रहे हैं इस चीज को। तो an मेरे पास कैसे है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है, लिमिट an is goes to p, okay? p belongs to natural number and there exists k belongs to natural number such that an is equals, अब देख सकते हैं यहां पर, हाँ ये हम, हाँ तो लिमिट an is equals to p, ओके मतलब an की लिमिट मेरे पास p है, क्योंकि उसमें लास्ट पॉइंट क्या था, इफ an is convergent, ओके मान लीजिए p पर कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज कर रही है तो p belongs to हमने natural number लिया, ओके एंड there this k belongs to natural number such that an is equals to p for all k is greater than n is greater than equal to k, okay? तो मेरे पास ये आप लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो सीक्वेंस के टर्म्स थे an is equals to p, यहां पर जो सीक्वेंस के टर्म्स थे वो क्या हो गए मेरे पास, p p p p कई सारे टर्म्स यहां पर क्या हो गए मेरे पास, p ही है, okay? तो this implies an is, अभी इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, an is eventually कॉन्स्टेंट। मतलब कुछ टर्म्स यहां पर छोड़ दो आप, उसके बाद सारे टर्म्स क्या होने वाले हैं, वही आने वाला है, वही कॉन्स्टेंट टर्म्स आने वाला है, रिपीट होगा बार बार। कुछ टर्म्स स्टार्टिंग के छोड़ दो, जैसे कि हमने असाइनमेंट से भी देखा था 0 1 0 1 0 1, कुछ फाइनाइट टर्म्स हुए फिर उसका 0 0 0 0, तो वो इवेंचुअली कॉन्स्टेंट है जीरो पर, तो वही चीज है यहां पर, ओके कैसे होगा, चलिए अब देख लेते हैं प्रूफ, हम लोग कि अगर मान लीजिए let an is equals to p, okay? p belongs to natural number. अब आप देख सकते हैं an क्या है मेरे पास, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है, तो भाई सीक्वेंस में ही बिलोंग करेगा उसमें, मतलब नेचुरल नंबर की ही सीक्वेंस है। अच्छा, for epsilon is equals to 1/2, epsilon is equals to 1/2, there exists k belongs to natural number, मैंने क्या किया, आप बोल रहे हो ना p पर कन्वर्ज कर रही है वो, तो मैंने क्या किया, epsilon एक 1/2 चूज किया, ओके फॉर ऑल देयर इज दिस k belongs to natural number such that अब इसको देखिए, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है मेरे पास, an लिमिट हम यहां लगाएंगे, ओके तो यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, an माइनस p विच इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है 1/2 है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ऐसा हम कर सकते हैं, ओके क्या था, an मेरे पास p पर कन्वर्ज कर रहा था, p मेरे पास नेचुरल नंबर है, मैंने क्या किया, एक एप्सिलॉन 1/2 चूज किया, ओके और देयर इज k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस p इज लेस देन 1/2, ओके तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज an बिलोंग्स टू p माइनस 1/2 p प्लस 1/2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ओके अच्छा an है कैसी मेरे पास, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, ओके तो जो ये p टर्म होगा
पी जो टर्म होगा, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये मेरे पास पी है, आगे वाला टर्म क्या होगा, पी प्लस वन होगा, और ये वाला टर्म क्या होगा, पी माइनस वन होगा. आप इसके वन बाई टू नेबरहुड ले रहा हूं, पी माइनस वन बाई टू, पी प्लस वन बाई टू. ओके, मतलब यहां पर क्या है, सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म, भाई एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू के ना, कि कुछ टर्म छोड़ के सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म इसी के नेबरहुड में लाई कर रही है. तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म इसके नेबरहुड में लाई कर रही है. p माइनस वन बाई टू, ये p माइनस वन बाई टू है, p प्लस वन बाई टू है, इसके नेबरहुड में लाई कर रहे हैं इनफाइनाइट टर्म. इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये आप देख सकते हो यहां पर सीक्वेंस की, और सीक्वेंस की टर्म है कैसी, नेचुरल नंबर है. तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां तो सारे आपके रैशनल इरेशनल आते हैं, नेचुरल नंबर क्या बचा, केवल केवल और केवल p ही तो बचा. इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स वो होंगी क्या, p ही होंगी आपकी. पास में आ रही है, तो दिस इंप्लाइज an इज इक्वल्स टू p, दिस इंप्लाइज an इज इवेंचुअली कॉन्स्टेंट. क्या बात समझ में आ रही है, मैंने बस यही किया कि इवेंचुअली कॉन्स्टेंट मुझे दिखाना था. इवेंचुअली कॉन्स्टेंट मीन्स मतलब कुछ टर्म्स वेरी करेंगे, मतलब फाइनाइट टर्म्स कुछ वेरी करेंगे. भाई फाइनाइट टर्म्स मतलब कि क्या है, हजार है, दस हजार है, बीस हजार है, लाख है, करोड़ है, फाइनाइट टर्म्स इनको बोलेंगे. ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे पास सीक्वेंस की सारी टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स मेरे पास इसी के नेबरहुड में लाई करेंगी, और वो एक्चुअल में अगर मैं 1 बाई टू एप्सिलॉन ले रहा हूँ, कन्वर्जेंट की मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर. ओके, तो वहां पर आप देख सकते हो कि इसके बीच में मेरे पास क्या कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो नेचुरल नंबर वो है कब, कौन सा, अगर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो पी ही है. तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स कौन कौन सी है, वो पी ही है. ओके, मतलब क्या होगा, इवेंचुअली कॉन्स्टेंट होगा. जो फाइनाइट टर्म्स बाहर है वो बेसिक वेरी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्या होगा, सीक्वेंस इवेंचुअली कॉन्स्टेंट है. ओके, तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो वो इवेंचुअली कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है. ओके, तो अगर वो डाइवर्ज कर रही है तो उसके पास क्या होगा, एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मतलब प्लस इन्फिनिटी पे ही जाएगी वो, जितनी भी सब सीक्वेंस है या कुछ भी है प्लस इन्फिनिटी पे जाने वाली है. तो नेचुरल नंबर से हमें ये सीखने को मिला. ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर की, इसका थोड़ा सा यूज होगा रैशनल में. ओके, वो इंपॉर्टेंट है, अब जो चलेगा यहां से वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट में काम आएगा आपके. ओके, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वो सब में काम आएगा आपको. ओके, रैशनल नंबर. ओके, तो सीक्वेंस ऑफ हम लोग देखते हैं, रैशनल नंबर देखते हैं हम लोग. ओके, तो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर में क्या देखते हैं हम लोग. ओके, तो बात करते हैं रैशनल नंबर की. रैशनल नंबर में हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले मैं एक पॉइंट लिखाता हूं, सबसे पहले जैसा कि मैं एक पॉइंट लेता हूं रियल नंबर का. ओके, लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर. ओके, फॉर एनी n belongs to natural number. देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, रियल नंबर का कोई भी नंबर एक पिक किया, कोई भी नंबर एक पिक किया. ओके, फॉर एनी n belongs to natural number. ओके, अल्फा माइनस वन बाई एन, अभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस चीज को. अल्फा माइनस वन बाई एन, अल्फा प्लस वन बाई एन. ओके, इंटरसेक्शन विथ क्यू माइनस अल्फा, क्यू माइनस अल्फा. देखिए क्या किया हमने, कोई हमने अल्फा नंबर चूज किया, रियल लाइन में कोई अल्फा मैंने यहां पर चूज किया. ओके, फिर हम क्या करें, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अल्फा माइनस वन बाई एन, अल्फा माइनस वन बाई एन, अल्फा प्लस वन बाई एन, इंटरसेक्शन विथ क्यू, इंटरसेक्शन विथ क्यू कर देंगे तो ये मेरे पास है. अगर क्यू के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ये सारे ये ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे जो क्यू के होंगे मेरे पास, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट होंगे, और कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे. उसमें से आप अल्फा हटा दो, बस केवल अल्फा हटा दो इसमें, क्योंकि इसमें तो अल्फा रहेगा, आपको क्यू माइनस अल्फा जब हटा देंगे तो मेरे पास ये सारे पॉइंट बचेंगे. और ये कितने ऐसे रहेंगे इसके बीच में, इंटर लाइक रैशनल पॉइंट, इसमें कितने रहने वाले हैं, इनफाइनाइट पॉइंट रहने वाले हैं. क्या बात समझ आई, मैंने क्या किया, मैंने R में से कोई भी पॉइंट अल्फा ले लिया. ओके, और फिर क्या किया, अल्फा माइनस वन बाई एन किया, अल्फा प्लस वन बाई एन किया. अभी सारी चीजें समझ में आएंगी क्यों कर रहे हैं ऐसा. अल्फा प्लस वन बाई किया, इंटरसेक्शन विद क्यू माइनस अल्फा कर दिया, मतलब इसका इंटरसेक्शन रैशनल नंबर के साथ किया, उसमें से अल्फा हटा दिया, मैंने अल्फा हटा दिया तो भाई इनके बीच में जो रैशनल बचे होंगे अल्फा को हटा के वही तो आएगा. अल्फा हटा दो, बाकी जितने भी रैशनल होंगे तो मेरे पास इस इंटरवल में कितने रैशनल होंगे, इनफाइनाइट होंगे. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इज इनफाइनाइट
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो मैंने यहां पर इसको इनफाइनाइट ऐसा लिखा। ओके अच्छा, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर एक अच्छी चीज देखेंगे हम लोग कि आर का मैं कोई भी पॉइंट पिक करूं, आर का मैं कोई भी पॉइंट पिक करता हूं, ओके तो उसके उसका नेबरहुड अगर हम लोग देखते हैं, इंटरसेक्शन विद क्यू माइनस अल्फा करते हैं, ओके तो ये एक सीक्वेंस, उसके बीच में एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर एक अल्फा लिया था, ये अल्फा लिया था, ये अल्फा प्लस वन बाई एन, अल्फा माइनस वन बाई एन, ओके और यहां से अल्फा हटा दिया हमने, तो इनके बीच में अल्फा पहुंचने के लिए, अल्फा तक पहुंचने के लिए एक सीक्वेंस हम लोग एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एक्शन हम यहां पर एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं जो इसके नेबरहुड में ही हो। तो मैंने क्या किया, एक्शन बिलोंग्स टू, ये जो 1 बाय n मैंने ऐसा किया है ना, लाइक एक्शन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस 1 बाय n, अल्फा प्लस 1 बाय n, इंटरसेक्शन विद q माइनस अल्फा, तो ये अपने आप में ही एक सीक्वेंस हो गई, मतलब एक सीक्वेंस इसी के अंदर ही आने वाली है। ओके अच्छा, अगर मैं सीक्वेंस के टर्म्स बोलूं तो क्या होंगे, x1 अगर मैं बात करता हूं क्या होगा मेरे पास, अल्फा माइनस 1, अल्फा प्लस 1, ओके इंटरसेक्शन विद q माइनस अल्फा। ओके अगर मैं x2 की बात करता हूं तो क्या आने वाला है, अल्फा माइनस 2, सॉरी अल्फा माइनस 1 बाई 2, अल्फा प्लस 1 बाई 2 और इंटरसेक्शन विद q माइनस अल्फा। इसी तरह xn मेरे पास यही आने वाला है, अल्फा माइनस 1 बाई n, अल्फा प्लस 1 बाई n, इंटरसेक्शन विद q माइनस अल्फा। अभी सब कुछ समझ में आएगा आपको। और ये क्या है, इनफाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब क्या है कि आपने एक सीक्वेंस यहां पर डिजाइन की इस इंटरवल के अंदर, जो कि क्या हो रहा है, जो अल्फा की तरफ जा तो रहा है, ओके मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अल्फा की तरफ जा रहा है, ओके और क्या आ रहा है मेरे पास, इनफाइनाइट टर्म, एक्शन के इनफाइनाइट टर्म्स अल्फा के नेबरहुड में आ गए, एक्शन के सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म अल्फा के नेबरहुड में आ गए। इसका मतलब क्या है, अल्फा क्या होगा उसका, उसका लिमिट पॉइंट होगा, अल्फा क्या होगा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। या हम ऐसे बोले, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां पर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो मेरे पास ये एक्शन है, दिस इंप्लाइज एक्शन, एक्शन डज नॉट इक्वल टू अल्फा। पहले ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जो सीक्वेंस हमने की है वो, भाई ये क्या कर रहा है, ये छोटा ही तो करता जा रहा है ना, पहले अल्फा माइनस वन था, अल्फा माइनस वन प्लस वन, फिर अल्फा ऐसा कर रहा है ना, ये मेरे पास ये अल्फा लिया, ये वन था और अल्फा माइनस वन, अल्फा प्लस वन, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे ही तो छोटा ही तो होता जा रहा है। ओके तो अल्फा के ही तो अप्रोच पहुंच रहा है, मतलब अप्रोच अल्फा ही को तो रख रहा है ना वो। ओके तो यहां पर देख सकते हो, लेकिन अल्फा के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि क्यू माइनस अल्फा आपने वैसे भी निकाल रखा है, उसके इंटरसेक्शन से आ रहा है ना, तो अल्फा के तो इक्वल है नहीं, सीक्वेंस जो है मेरे पास अल्फा के इक्वल नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है सीक्वेंस, एक्शन डज नॉट इक्वल टू अल्फा, ओके एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अल्फा के इक्वल नहीं है मेरे पास। ओके अच्छा, अल्फा के इक्वल नहीं है तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो मैंने 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन लिया है, ओके अगर मैं अल्फा का नेबरहुड देखू जरा सा, क्या मैं इसको एक्शन डज नॉट इक्वल टू अल्फा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्शन माइनस अल्फा विच इज लेस देन फॉर लाइक लेस देन बाई 1 बाई एन, लेस देन बाई 1 बाई एन, ओके कैसे लिख दिया सर आपने। अच्छा देखो, अल्फा ये है, ये अल्फा प्लस 1 बाई एन है, बड़े आराम से समझते जाइए चीजों को, सब कुछ समझ में आएगा आपको, अल्फा प्लस 1 बाई एन है, यहां पर ये अल्फा माइनस 1 बाई एन है, ओके अच्छा इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 बाई एन ही तो है, यहां भी डिस्टेंस 1 बाई एन ही है, जो सीक्वेंस आप डिफाइन कर रहे हो एक्शन, ओके तो एक्शन माइनस अल्फा कर रहे हो ना, एक्शन इसी के अंदर होगा, और एक्शन माइनस अल्फा जो भी आप करोगे, एक्शन का कोई भी टर्म होगा, कहने का मतलब एक्शन, कुछ टर्म्स के बाद हम लोग ऐसा कर रहे हैं, लाइक एक्शन का आप टर्म्स देखोगे और माइनस अल्फा करोगे तो 1 बाई एन से तो लेस ही होगा ना उसका मॉडुलस, आप इधर से करो चाहे इधर से करो, मॉडुलस की बात कर रहा हूं मैं, ओके उधर अगर सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं, ओके तो आप उधर से देख सकते हो, तो मेरे पास मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, 1 बाई एन से तो लेस ही होगी। ओके फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके ये कंडीशन आ गई मेरे पास, तो यहां पर मैं आर्किमिडियन प्रिंसिपल लगा सकता हूं, ये समझ आया ना, एक्शन माइनस अल्फा, ये मॉडुलस वैल्यू लेस, मतलब डिस्टेंस ही तो है ना ये क्या है एक्चुअल में, ये डिस्टेंस है, अभी मैं कन्वर्जेंट वगैरह कोई बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस, मतलब कि एक्शन की जो डिस्टेंस होगी अल्फा से वो क्या होगी, मॉडुलस लेस देन 1 होने, 1 बाय n होने वाली है,
ओके, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या आ रही थी, 1/n ही तो आ रही थी ना, ओके। तो ये अब हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ओके, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। हम लोग ऐसे ही तो बोलते थे, ओके। यहां पर हम लोग यही चीज करेंगे कि मेरे पास क्या है, मॉड ऑफ xn माइनस अल्फा जो है वो लेस देन 1/n है, ये किससे हो जाएगा, लेस एप्सिलॉन से लेस देन हो जाएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, ओके, क्योंकि हमने ये यूज किया है, बाकी तो ये इससे लेस है तो हमने ऐसा लिख दिया, ओके। अच्छा, ये हो गया तो हम बोल सकते हैं कि xn माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब कुछ टर्म्स के बाद क्या होगा, मेरे पास सीक्वेंस के सारे टर्म्स अल्फा के नेबरहुड में लाई करेंगे, ओके, इनफाइनाइट टर्म्स। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्शन इक्वल्स टू अल्फा, लिमिट एक्शन इक्वल्स टू अल्फा लिख रहा हूं, मतलब एक्शन कन्वर्ज कर रहा है अल्फा पर, नॉट एक्शन, एक्शन इक्वल्स टू अल्फा लिखा है तो वो अलग है, वो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हो गई कि मतलब हमने अल्फा ही ले लिया है, अल्फा ही ले लिया है, ओके। यहां पर क्या है, एक्शन एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है ए पर, जो कि इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल नहीं है। अच्छा, इस पूरी गाथा से हमें क्या नॉलेज मिला, हमने क्या सीखा, हमने एक चीज यहां पर यह सीखी कि आप रियल नंबर में से, आप रियल लाइन में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, मैं उसके नेबरहुड में एक सीक्वेंस ऐसी जरूर बना सकता हूं जो अल्फा तक जा सके। क्या बात समझ आ रही है, कि कोई भी आप रियल लाइन का कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो, मैं एक ऐसी सीक्वेंस जरूर बना सकता हूं कि उस तक पहुंचे, उस अल्फा तक पहुंचे। अब वो अल्फा उस सेट में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस उसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए, बस उसका लिमिट पॉइंट। लाइक आप अगर कोई इंटरवल ले रहे हो, ओके, कोई इंटरवल ले रहे हो, तो उसमें यहां पर ये बात कर रहे हैं कि आप कोई भी अगर आप पॉइंट पिक करते हो तो आप कोई भी एक सीक्वेंस के द्वारा, मतलब उस अल्फा तक अप्रोच कैसे करते हो, एक सीक्वेंस के द्वारा अप्रोच करते हो कि उस अल्फा तक हम लोग पहुंच रहे हैं, ओके। तो ये हो गया मेरे पास कि आप, यहां से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हम कोई भी सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, अल्फा तक अप्रोच करा सकते हैं, ओके, कोई भी सीक्वेंस को अल्फा पर कन्वर्ज करा सकते हैं। कोई भी आप पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो रियल नंबर में, हम क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस को अल्फा पर कन्वर्ज करा सकते हैं। अच्छा, सीक्वेंस की, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, और सब सीक्वेंस कितनी होती है, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल सब सीक्वेंस जो होगी वो भी अल्फा पर कन्वर्ज कर जाएंगी। तो बात समझ आ रही है यहां से। अच्छा, अब एक पॉइंट लिखता हूं मैं, फिर उसके बेस से एक अच्छी बात बताता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं उसके बेस से एक अच्छी बात बताता हूं। नोट कर दिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस डैश, अल्फा बिलोंग्स टू एस डैश, देन देयर एग्जिस्ट एक्शन सच दैट, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास एक्शन डज नॉट इक्वल टू अल्फा, सेकेंड पॉइंट है मेरे पास एक्शन बिलोंग्स टू एस, थर्ड पॉइंट है मेरे पास, यहां से हमें और सीखने को मिलेगा, एक्शन बिलोंग्स टू एस, लिमिट एक्शन इज इक्वल्स टू अल्फा। क्या सीखने को मिला ये देखते हैं। पहली चीज हमें ये चीज सीखने को मिली कि देखिए अल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम, मतलब अल्फा मेरे पास सेट एस का मेंबर हो चाहे ना हो, हमें एक सेट गिवन है, उस सेट का मेंबर हो चाहे ना हो, उसका अगर लिमिट पॉइंट है, उसका अगर लिमिट पॉइंट है, तो हम एक सीक्वेंस ऐसी डिफाइन कर सकते हैं, हम एक ऐसी सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं जो उस अल्फा को अप्रोच करे, अल्फा पर कन्वर्जेंट हो लेकिन इक्वल ना हो। पहली चीज तो यह है कि वो एक्शन डज नॉट इक्वल टू अल्फा, मतलब सीक्वेंस को हम वही अल्फा नहीं ले रहे हैं, उस अल्फा हम जो सारी बातें कर रहे हैं ना, हम इसी बेस पर कर रहे हैं कि हम एक्शन को अगर हम अल्फा ही ले लेंगे तो फिर कोई वही नहीं रह जाएगा। अगर हमने उसको अल्फा ही ले लिया वो चीजें, तो फिर तो बात ही नहीं रह गई। अगर हमने कॉन्स्टेंट ही वही सीक्वेंस जिसकी आप बात कर रहे हो, आपने रियल लाइन की बात की, आपने एक पॉइंट दे दिया, मैं कह रहा हूं वही एक सीक्वेंस है, बना लो नेबरहुड, वही आने वाला है बार बार, वही अगर आपने कॉन्स्टेंट कर दिया, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके नेबरहुड की बात कर रहा हूं, ओके। वो अगर है तो सिंपल सा ही हो गया, फिर उसके बारे में बात ही क्या करना, ओके। तो एक्शन डज नॉट इक्वल टू अल्फा, मतलब मैं कॉन्स्टेंट सीक्वेंस वही अल्फा नहीं चूज कर रहा हूं, मैं एक ऐसी सीक्वेंस बनाना चाहता हूं, और ऐसी सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी जो उस अल्फा को अप्रोच करेगी, और अल्फा उसका कन्वर्जेंट लाइक लिमिट होगा उसका, और एक्शन बिलोंग्स टू एस, उस सेट की
उस सेट में मैं ऐसी सीक्वेंस जरूर ढूंढ लूंगा, उस सेट में ही ऐसी सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस के टर्म्स होंगे वो उस सेट के ही होंगे, उस सेट के ही मेंबर होंगे जो अल्फा पर कन्वर्ज करेंगे। ओके, तो ये यहां पर एक बेहतरीन पॉइंट है कि आप रियल लाइन का कोई भी नंबर दे दो, मैं एक ऐसा सीक्वेंस जरूर कर दूंगा। वो जो नंबर होना चाहिए वो सेट का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अब वो सेट में हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे बात करते हैं ओपन इंटरवल 0,1 की। ओके, अब अगर जीरो पे जाने वाली आप सीक्वेंस आराम से खोल मतलब ढूंढ लोगे जो इसी सेट में हो, और उसके बाद क्या हो, ये आपका जीरो पर जाए कन्वर्ज करे, जीरो क्योंकि लिमिट पॉइंट है ना इसका। इसी तरह वन पर जाने वाली ढूंढ लोगे, तो यही चीज है कि मेरे पास क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू एस डैश है, देन देयर एग्जिस्ट एक्सटेंस एस दैट, कि वो उसके इक्वल ना हो, मतलब कांस्टेंट ना हो, नहीं तो कह दो आप जीरो ही ढूंढ लिया आपने। ओके, और सेकंड क्या है, एक्शन बिलोंग्स टू एस, उस सेट में ही, उस सेट में ही आप एक कांस्टेंट, एक सीक्वेंस ढूंढ लोगे। ओके, लाइक मिल जाएगी आपको। और थर्ड क्या है, जो अल्फा पर कन्वर्ज करेगी। ओके, अच्छा इससे क्या ज्ञान मिलता है, देखिए हम लोग पढ़ते थे 11th 12th में, हम लोग 11th 12th में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते थे। ओके, तो वहां पर जब हम लोग देखते थे LHL, ओके, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x इज इक्वल टू l, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा, कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा। ओके, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा ये x टेंड्स टू अल्फा जो है ये एक्चुअल में है क्या, वो यहां पर देखते हैं हम लोग कि अल्फा पर अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। वहां पर देखते थे लेफ्ट हैंड लगाते थे, राइट हैंड लगाते थे, तो लेफ्ट हैंड से पहुंच रहे हैं अल्फा पर, राइट हैंड से पहुंच रहे हैं, पहुंच कैसे रहे, इंपॉर्टेंट ये है, पहुंचते हम लोग एक सीक्वेंस के द्वारा है, एक सीक्वेंस के द्वारा हम लोग अल्फा पर जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आके हम लोगों ने अपना लेवल ये बढ़ाया, नहीं तो हम फिर से वही x टेंड्स टू a प्लस माइनस वही चीज है। ओके, तो हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड यही चीज देखा करते हैं, सीक्वेंशियल अप्रोच लगाते हैं कि अल्फा पर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ओके, और कैसे जाते हैं, मतलब x टेंड्स टू अल्फा बोल रहे हैं, मतलब क्या है उस पर पहुंचना कैसे है, ये हम लोग यहां पर एनालाइज कर रहे हैं। कैसे पहुंचते हैं, एक सीक्वेंस के द्वारा, आप सीक्वेंस ऐसा डिफाइन कर सकते हो जो अल्फा पर पहुंच जाएगी, यहां पर मैंने वो चीजें बताई आपको। ओके, तो लगभग लगभग ये क्लियर होगा आपको। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इस अल्फा के बारे में एनालाइज करते हैं, अल्फा के बारे में एनालाइज करते हैं और रैशनल नंबर को भी यहां पर लाते हैं। कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर अल्फा के बारे में हम लोग यहां पर एनालाइज करते हैं सारा। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि अल्फा अगर मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि पूरी आर से मैंने एक पॉइंट पिक किया, अब उस पॉइंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर वो नेगेटिव है तब क्या होगा, और अगर जीरो है तब क्या होगा, अब हम ये देख रहे हैं। ओके, तो एक एक स्टेप लेके चलते हैं, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो। अब आप देखिए यहां पर ध्यान से थोड़ा, अल्फा मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, ओके, और लिमिट जो ए एन है वो अल्फा पर कन्वर्ज कर रही है, लिमिट ए एन इक्वल्स टू अल्फा। ओके, लिमिट एन जो है मेरे पास वो अल्फा पर अगर कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, अब आप देखेंगे अल्फा अगर मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है और लिमिट एन कन्वर्जेस टू अल्फा। ओके, तो अच्छा एक चीज देखते हैं, अल्फा मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है तो मैं, ये मेरे पास जीरो है, यहां कहीं अल्फा होगा। ओके, अगर एन अल्फा पर कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा के नेबरहुड में एन के इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे, एन के इनफाइनाइट टर्म्स लाई कर जाएंगे। आप कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, आप कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, आपका क्या होने वाला है, इनफाइनाइट टर्म्स एन के लाई कर जाएंगे। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे पास एन, लाइक ऐसा मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो सीक्वेंस के टर्म्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर सकता हूं, एज्यूम ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, अल्फा मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, एन अल्फा पर कन्वर्ज कर रहा है, तो एन के इनफाइनाइट टर्म्स अल्फा के नेबरहुड में लाई करेंगे। आप जितना भी इसका ये नेबरहुड छोटा कर दो, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे, जितना भी छोटा कर दो, आप कह रहे हो जीरो यहां पर है तो उससे, आप जब कह रहे हो जैसे आपने मान लिया कि ये अल्फा है, आपने बोला ये जीरो है मेरे पास, ये जीरो है, तो मैं इससे भी छोटा एक नेबरहुड ले लूंगा तो उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो ना कि मेरे पास जो सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स होंगे वो मेरे पास अल्फा के नेबरहुड में आएंगे, तो वो पॉजिटिव होंगे सारे। ओके, हाँ कुछ टर्म्स जो होंगे फाइनाइट टर्म्स होंगे वो बाहर होंगे, बेशक वो यहां पर नेगेटिव हो सकते हैं, बेशक वो यहां पर नेगेटिव हो सकते हैं, तो मैं उनको नहीं कंसिडर कर रहा हूं,
क्योंकि हमने पहले से ही देखते चले आ रहे हैं कि हम क्या करते थे, हमें इंटरेस्ट था इनफाइनाइट टर्म्स में, उसके फाइनाइट टर्म्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुपीरियर, इंफीरियर, लिमिट पॉइंट, जो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, लाइक जो भी बात करते थे हम लोग उसके इनफाइनाइट टर्म्स की बात करते थे। फाइनाइट टर्म्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, लाखों हो करोड़ों हो वो फाइनाइट टर्म्स है, ओके, तो उनसे हमें लेना देना नहीं है, हमें उसके इनफाइनाइट टर्म्स देखने हैं। तो वो मेरे पास पॉजिटिव है, तो हम यहां पर ऐसा अज्यूम कर सकते हैं विदाउट लॉस जनरलिटी, लाइक हम ऐसे ही उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, कि ये मेरे पास कैसे होंगे, सारे टर्म्स इसके कैसे होंगे सीक्वेंस के, एन इज ग्रेटर देन जीरो होंगे, ओके, वी कैन एज्यूम। क्या समझ पा रहे हो आप? ये मैंने ऐसा क्यों एज्यूम किया कि फाइनाइट टर्म्स कुछ जो होंगे मे बी इनफाइनाइट हो सकते हैं, मे बी नेगेटिव हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स यहीं पर आ जाएंगे, तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि an जो होगा मेरे पास टोटली ग्रेटर देन जीरो होगा, ओके। तो हम यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अगर मेरे पास सीक्वेंस जो है an ग्रेटर देन जीरो हुआ, ओके, an मेरे पास कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। चलिए अब हम बात करते हैं कि an मेरे पास अगर इक्वल्स टू pn बाई qn है, ओके, तो ये पहली चीज समझ में आई, अल्फा ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स लाई करेंगे, तो मेरे पास सीक्वेंस को ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या है, इवेंचुअली पॉजिटिव यहां पर बोल सकते हैं, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, an इक्वल्स टू pn बाई q, pn बाई qn, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड an बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। एन मेरे पास रैशनल नंबर है तो सीधी सी बात है हम लोग यहाँ पर पी एन बाई क्यू एन टाइप में लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है यहाँ पर, अगर रैशनल नंबर होती है तो हम क्या बोलते हैं कि क्यू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड पी एन बिलोंग्स टू जेड। रैशनल नंबर है मेरे पास तो क्या होगा, ये अगर रैशनल नंबर है तो देखिए अलग अलग मैंने सीक्वेंस बना ली, एक न्यूमिनेटर की सीक्वेंस बना ली, देखो बोर मत होना, आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाओ सब कुछ समझ में आएगा आपको, ओके। अब यहीं से टर्निंग पॉइंट है आपका समझने का सारा, pn बाई qn बनाई, an मेरे पास रैशनल नंबर है, ओके, an एक सीक्वेंस है, रैशनल नंबर की सीक्वेंस है, उसको हमने pn बाई qn में किया, pn भी अपने आप में एक सीक्वेंस हो गई, qn भी अपने आप में एक सीक्वेंस है, qn मेरे पास नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, pn मेरे पास इंटीजर की सीक्वेंस है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अगर मैं यहां पर इफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो ले लूं, अल्फा ग्रेटर देन जीरो ले लूं, तो आपको एक बात तो पता ही होगी कि an मेरे पास pn बाई qn है, इसको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये अगर नेगेटिव रहेगा तो फिर मेरे पास पॉजिटिव कभी आएगा नहीं, ओके, तो इसका मतलब क्या है, pn को भी नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, ओके, pn को भी मतलब कि नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। तो अभी हम pn की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एक टर्म्स को लेते हैं। अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो है तो हम पहले qn की बात करते हैं कि qn का नेचर कैसा होगा, qn क्या होगा, अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा अगर मेरे पास तो जो qn होगा ना, qn क्या है मेरे पास, qn जो है नेचुरल नंबर है, तो qn इज सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, qn इज सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, और जो qn की लिमिट होगी वो प्लस इंफिनिटी होगी, लाइक डाइवर्ज करेगा qn आपका, जो आपका qn होगा वो डाइवर्ज करेगा, ओके, दिस इंप्लाइज qn इज डाइवर्जेंट। अब आपका क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों होगा, तो चलिए हम प्रूफ कर लेंगे इस चीज को कि ऐसा क्यों होगा, डाइवर्ज ही क्यों करेगा, कन्वर्ज भी कर सकता है, तो ऐसा हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अभी हम qn के बारे में देख रहे हैं, फिर हम pn के बारे में देखेंगे, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे इस चीज को, और सच मानिए इस चीज का लिमिट में इतना ज्यादा यूज होगा कि मतलब मजा आ जाएगा आपको, अच्छे क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है ये तो बहुत ही हल्के से सॉल्व हो गए, ओके, तो बस यही से कॉन्सेप्ट है वहां पर आपका। तो qn क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, कैसे होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रूफ बोलेगा इस चीज का, कैसे देखते हैं, प्रूफ देखते हैं हम लोग कि हम अभी qn के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, फिर हम pn के बारे में एनालाइज करेंगे, अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा तब, ओके, अच्छा हाँ एक बात यहां पर डिस्कस कर लेता हूं, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो है, लिमिट an इसको से अल्फा, तो हमने बोला कि इवेंचुअली पॉजिटिव होगी, अगर मैं अल्फा लेस देन जीरो लूंगा तो इसी तरह an की जो टर्म होंगे, अगर an अल्फा पर कन्वर्ज कर रही है तो an के इवेंचुअली नेगेटिव होंगे, दोनों बातें सेम है, दोनों के लिए, पॉजिटिव के लिए भी सेम है, नेगेटिव के लिए भी सेम है, ओके, तो यहां पर देख लेते हैं, अल्फा ग्रेटर देन जीरो है, qn नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, तो मेरे पास क्या होगी, qn डाइवर्ज करेगी, ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर, आप प्रूफ देता हूं कि इफ सपोज q1 इज
नॉट डाइवर्जेंट. ओके, क्यों मेरे पास डाइवर्जेंट नहीं है. अच्छा, अभी हमने नेचुरल नंबर में एक पॉइंट पढ़ा था कि सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट नहीं है तो उसके पास एक सब सीक्वेंस, कॉन्स्टेंट सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी. अभी हमने पढ़ा था ना. ओके, तो अगर ये मेरे पास डाइवर्जेंट नहीं है तो दिस इंप्लाइज Q1 हैज अ कॉन्स्टेंट सब सीक्वेंस. Q1 हैज कॉन्स्टेंट सब सीक्वेंस. Q1 के पास एक कॉन्स्टेंट सब सीक्वेंस मिलेगी. लाइक मेरे पास क्या है, दैट इज Q&K इज इक्वल टू Q फॉर ऑल K जो मैंने सफिक्स पे लगाया है. K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. Q&1, Q&2, Q&3, Qn and so on. सारे टर्म्स कैसे हैं, क्यों है, कॉन्स्टेंट सब सीक्वेंस मिलेगी. यहां तक बात समझ में आ रही है. ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो मैं फालतू बता रहा हूं या हवा मिला रहा हूं बातें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो मेरे पास एक कॉन्स्टेंट सब सीक्वेंस मिलेगी Qnk, जो कि क्या होगी, Q पर कन्वर्ज करेगी. ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर ये मेरे पास Qnk Q पर जा रहा है. ओके, सीक्वेंस क्या थी, सीक्वेंस मेरे पास An=Pn/Qn थी. ओके, अगर मैं सीक्वेंस की सब सीक्वेंस लूं और सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी, ये सीक्वेंस जो थी लिमिट An=α व्हिच इज ग्रेटर देन 0, ये क्या थी, अल्फा पर कन्वर्जेंट थी. अगर मैं इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस लेता हूं, अगर मैं इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस लूंगा तो कुछ ऐसे टाइप के लूंगा ना, Ank इज इक्वल्स टू Pnk/Qnk फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहां तक बात समझ में आ रही है. Qnk मेरे पास क्या है, एक सब सीक्वेंस जो Q पर कन्वर्ज कर गया. अब मैंने क्या किया, इस सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस बनाई Ank=Pnk/Qnk और Qnk पे कहां कन्वर्ज कर रही है, Q पे कन्वर्ज कर रही है. तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि Ank=Pnk/Q फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहां तक क्लियर है. अब देखेंगे आप यहां पर कि समझिए An क्या है मेरे पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होंगी वो भी कन्वर्जेंट होगी. An क्या है मेरे पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और जितनी इसकी सब सीक्वेंस होगी वो भी कैसी होंगी, कन्वर्जेंट ही होंगी. तो भाई An को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, और Ank कहां कन्वर्ज करेगी, अल्फा पर कन्वर्ज करेगी, पास में आ रही है. और Pnk क्या होगा, आप देख सकते हो Pnk क्या होगा, Q(Ank) और Ank कन्वर्ज कर रही है तो Pnk भी कन्वर्ज कर जाएगी. क्या रिलेशन समझ में आया, Ank और Pnk में क्या रिलेशन आपको समझ में आ रहा है, कि Ank अगर कन्वर्ज कर गई तो Q क्या है, कांस्टेंट नंबर ही तो है. ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा है कि अगर मेरे पास An कन्वर्ज कर रही है तो C(N) भी तो कन्वर्ज करेगी, अलजेब्रा. ओके, तो अगर ये कन्वर्ज करेगी तो दिस इंटू क्यू ये भी कन्वर्ज करेगा, मतलब Pnk भी कन्वर्ज करेगी. अगर ये डाइवर्जेंट हो गई तो Pnk भी डाइवर्जेंट हो गई. इसका मतलब क्या है, यहां से आप लिख सकते हो ना कि Ank इज कन्वर्जेंट implies and implied by Pnk is convergent. Okay? अगर Ank कन्वर्ज कर गई आपकी तो Pnk भी कन्वर्ज करेगी, और Pnk किसी P पे कन्वर्ज करेगी आपकी, Pk belongs to natural number. Okay? K belongs to natural number, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं for all n is greater than equal to k. ओके, ओके, तो Pnk मेरे पास कहां कन्वर्ज करेगी, p पर करेगी. ओके, ये ऐसा m. ओके, k मेरे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो Pnk मेरे पास p पर कोई कन्वर्ज करेगी. ओके, तो Ank फिर कहां चली जाए, मतलब Ank भी कन्वर्ज कर रही है, Pnk कन्वर्ज, मतलब दोनों का सेम होगा बिहेवियर. अगर Ank कन्वर्ज किया तो आप देख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करोगे, Pnk कन्वर्ज करेगी, Pnk कन्वर्ज किया तो Ank कन्वर्ज करेगी. अगर मैं ले रहा हूं Pnk कन्वर्ज कर गई तो Ank कन्वर्ज करेगी, और Ank क्या होगी मेरे पास, दिस इंप्लाइज Ank=Pnk/Qnk. तो Qnk Q है, Pnk P है, तो P/Q आ गया मेरे पास फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या बोलू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू. यहां तक बात समझ में आ रही है आपको. अच्छा, अब आप देखिए यहां पर जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, लिखा क्या है ये, Ank मेरे पास कहां जा रही है, Ank मतलब क्या है, Ank मेरे पास क्या है, P/Q है. Ank मेरे पास क्या है, P/Q है. सीक्वेंस क्या थी, कन्वर्जेंट थी, कहां पर जा रही थी, अल्फा पर जा रही थी, लेकिन An डज नॉट इक्वल टू अल्फा था. यहां पर क्या था, सीक्वेंस की कोई भी टर्म अल्फा के इक्वल नहीं थी.
क्या बात समझ आ रही है आपको? अल्फा पर कन्वर्ज कर रही थी बट एक भी टर्म इसके अल्फा के इक्वल नहीं थी, ओके। लेकिन यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस की जो टर्म्स आ रही है ना, पहली बात तो कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज अगर कर रही है तो कहां करेगी, वो अल्फा पर ही तो कन्वर्ज करेगी ना। वो सीधा वो बोल रहा है इक्वल आ गया, देखिए मतलब यहां पर क्या हो गया कि जो सब सीक्वेंस है वो अल्फा ही आ गई। PYQ देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये चीज देखना है। मैंने बोला था ना आपको यहाँ लिमिट नहीं लगी हुई है, यहाँ पर ये लगा हुआ है ANK जो आ रहा है मेरे पास इक्वल टू PYQ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ANK भी अल्फा पर ही जाएगा ना, तो इसका क्या है PYQ इसको सो अल्फा हो गया, ANK इसको सो अल्फा हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि यहां पर देख सकते हो आप, यहाँ ANK कन्वर्ज करेगी, कहाँ कन्वर्ज करेगी, अल्फा पर करेगी, और ANK किसके इक्वल आ गई, PYQ के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है, ANK अल्फा के इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज ANK अल्फा के इक्वल आ गई फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कुछ अनर्थ दिख रहा है आपको? यहां पर मैंने क्या बोला था, सीक्वेंस का एक भी टर्म अल्फा के इक्वल नहीं है, लेकिन यहां पर मेरे पास सीक्वेंस का टर्म अल्फा के इक्वल आ गया, जो कि क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्स करेगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हो कि QN जो होगा, हम वही लेके चले थे ना, QN जो होगा वो डाइवर्ज करेगा, वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ओके। तो दिस इंप्लाइज QN इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ओके। तो PN बाई QN में आपने एक चीज सीखी कि PN बाई QN अगर सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर होगी कभी भी, तो जो उसका डिनोमिनेटर होगा ना, वो हमेशा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, मैंने प्रूफ दे दिया, ओके। तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ओके। तो ये हमने बात की डिनोमिनेटर की, अब हम बात करेंगे न्यूमरेटर की। अभी न्यूमरेटर के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन डिनोमिनेटर के बारे में पता है, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर है तो पक्का है कि डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, हमेशा प्लस इन्फिनिटी जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसा सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँ, अगर 1/n, ओके, एन इसको 1/n, आप देख सकते हो ये सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर ही तो है। PN क्या है मेरे पास, 1 है, और QN क्या है, n है, डाइवर्स कर रहा है, ओके। AN मैंने लिया ऐसा कुछ 1/n, 2/n, जब यहां पर ऑड n है, यहां पर इवन है जब, तो इस बार PN क्या है, 1 है, इधर PN 2 है, लेकिन QN कहां जा रहा है मेरे पास, इनफाइनाइट पर ही जा रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर आप कभी भी लोगे जो डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर के बारे में कोई गारंटी नहीं है, डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा डाइवर्जेंट होगा, ओके। ये हमने लिया था अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर मैं यहां पर अल्फा लेस देन 0 करता तब भी बात सेम होती। कैसे सर, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अल्फा अगर लेस देन 0 करता तो मेरे पास PN कहां आ जाता, जेड में बिलोंग करता, QN तो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहता ना, QN हमेशा नेचुरल नंबर ही रहता, और यहां QN के बारे में ही बात हो रही है, तो सेम बात होती, QN को डाइवर्ज करना ही है, ओके। तो QN हमेशा डाइवर्ज करेगा आपका, ओके। तो ये बात हो गई QN की। चलिए अब हम बात करते हैं लिमिट AN इज इक्वल्स टू, मेरे पास है कुछ ऐसा पाई, ओके, एंड AN डज नॉट इक्वल्स टू पाई, मैंने ये दिया, और AN क्या है मेरे पास, AN इक्वल्स टू PN बाई QN है, या तो मैं ऐसा कर लूँ इसको 1/π कर लूँ, ऐसा कर लेता हूँ, PN बाई QN है, ओके। देन BN इज इक्वल्स टू PN इंटू साइन 1/QN, साइन 1/QN, ओके। तो लिमिट ऑफ BN आपको फाइंड करना है, क्या होगा लिमिट ऑफ BN, क्या होगा। अच्छा अब आप देखें यहां पर कि AN इसको क्या है, PN बाई QN है, ओके। आपको QN के बारे में पता है, अभी PN के बारे में कुछ नहीं पता है, QN क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, ओके। QN क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, ओके। तो ऐसे देख सकते हो आप यहां पर, तो लिमिट BN क्या होगा, तो ऐसा मत कर देना, क्योंकि PN के बारे में अभी आप कुछ नहीं कह सकते, ऐसा मत कर देना ये डाइवर्ज करेगा, इन्फिनिटी जीरो हो गया, ये मेरे पास साइन जीरो, ओवरऑल जीरो चला गया, PN के बारे में कुछ नहीं बोल सकते ना आप, डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, अभी PN के बारे में, अगर ये इनफाइनाइट चला गया तो फिर तो अनडिफाइन हो जाएगा ना मेरे पास, ओके। तो अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो कभी भी अगर PN आए QN आए तो उनका कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो, हमेशा PN बाई QN टर्म लाने की कोशिश करो, ओके। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे नेट में आते हैं क्वेश्चन, ओके, तो ऐसा टाइप का अगर आता है, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, PN QN के टर्म में आता है, तो उनको PN बाई QN बनाओ उसको, ओके, उस टाइप का बनाओ। कैसे बनाओगे आप, तो QN से मैं डिवाइड कर दूं यहां पर, नीचे ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PN बाई QN
मतलब 1 बाई क्यू एन से मल्टीप्लाई किया, 1 बाई क्यू एन से डिवाइड कर दिया अपॉन 1 बाई क्यू एन। पी एन बाई क्यू एन क्या है, ए एन है, वो कहां पर टेंड कर रहा है, 1 बाई पाई पर। और ये मेरे पास एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां जाएगा, ये मेरे पास, ये मेरे पास किस 0 बाई 0 की फॉर्म है, ये मेरे पास साइन एक्स बाई एक्स टेंड्स टू 0 मेरे पास कहां जाता है, 1 पर जाता है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये 1 ही आने वाला है, ओके, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो ये 1 आएगा, ये मेरे पास 1 बाई पाई आएगा, ये आंसर, ओके। तो वो मत कर देना, ठीक है। तो पी एन कभी टर्म्स हो अगर बन रहा है तो पी एन बाई क्यू एन को साथ में रखो हमेशा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालो, ओके। तो ये हो गया मेरे पास। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, अभी हमने बात की क्यू एन की, अब हम लास्ट बात करते हैं पी एन की, ओके। तो ए एन ग्रेटर देन 0 होगा तब भी वही है, ए एन लेस देन 0 होगा तब भी मेरे पास सेम चीज है। अब हम बात करते हैं पी एन की, सेकेंड चीज देखते हैं हम लोग, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा, अब देखिए यहां पर देखेंगे, फिर से देखेंगे कि अल्फा अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, ए एन क्या है, पी एन बाई क्यू एन है, ओके, एन बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ओके ओके। और ए एन मेरे पास अल्फा पर कन्वर्ज कर रहा है, एक लिमिट ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा, और ए एन जो हम बात कर रहे हैं वो डज नॉट इक्वल्स टू अल्फा पर ही बात कर रहे हैं, इक्वल पर बात नहीं कर रहे हम लोग, ओके। ए एन डज नॉट इक्वल्स टू अल्फा, ए एन इज इक्वल्स टू पी एन बाई क्यू एन। अगर मेरे पास अल्फा ग्रेटर देन 0 है, ये अगर अल्फा पर कन्वर्ज कर रही है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स पॉजिटिव इवेंचुअली पॉजिटिव होंगे। तो सीक्वेंस हमने क्या अज्यूम की थी, सीक्वेंस इवेंचुअली पॉजिटिव होगी, इवेंचुअली पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब क्या है कि पीएन को भाई इंटीजर नहीं रहने वाला है, अब पीएन यहां पर इंटीजर नहीं होने वाला है, ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना, हमने इसीलिए फर्स्ट वो देखा था कि इवेंचुअली पॉजिटिव लेके चले थे, ओके। तो पीएन भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज पीएन इज सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, यहां भी हो गई, अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तो, अल्फा ग्रेटर देन 0 है तब की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो पीएन क्या हो जाएगी, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगी। तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हो गई तो फिर यहां पर भी वही खेल है कि लिमिट पीएन जो होगा वो क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट होगा। दिस इंप्लाइज लिमिट पीएन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यहां पर भी सेम क्यू एन के जैसा है, पीएन भी डाइवर्ज करेगा, वो भी प्लस इन्फिनिटी, मतलब डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी, ओके। तो प्रॉपरली देखिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा, प्रॉपरली डाइवर्जेंट ही बोल रहे हैं सारी चीजें यहां पर, प्रॉपरली डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं यहां पर, ओके। तो पीएन क्या होगा, डाइवर्ज करेगा मेरे पास, ओके। अगर नेचुरल नंबर का है तो मेरे पास ये डाइवर्ज ही करने वाला है, ओके। तो वैसे अब देख लेते हैं हम लोग, चलिए कि इसको भी प्रूफ देख लेते हैं कि डाइवर्ज ही क्यों करेगा। इफ पीएन इज नॉट डाइवर्जेंट, अगर मेरे पास पीएन डाइवर्जेंट नहीं है तो क्या होगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज पीएन हैज कांस्टेंट सबसीक्वेंस, सेम लॉजिक, कांस्टेंट सबसीक्वेंस। तो एक सबसीक्वेंस मैंने सच दैट पी एन के बनाई, जो कि पी पर कन्वर्ज करेगी, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक सबसीक्वेंस होगी उसकी जो कांस्टेंट सबसीक्वेंस होगी, तो पी एन के इसको से पी आएगा मेरे पास, ओके। अच्छा पी एन के मेरे पास पी आएगा, तो अच्छा इसकी भी एक सबसीक्वेंस हम बना सकते हैं ए एन की, कैसी बनाएंगे, ए एन के, ए एन के इज अ सबसीक्वेंस ऑफ ए एन, और जो कि क्या होगी, पी एन के बाई क्यू एन के, ओके। पी एन के क्या आएगा मेरे पास, पी आएगा, क्यू एन के क्या आएगा मेरे पास, क्यू एन के आएगा। अच्छा एक चीज अभी हमने जस्ट पढ़ी कि क्यू एन क्या होगा मेरे पास, डाइवर्जेंट होगा, उसके पास एक भी कांस्टेंट सबसीक्वेंस नहीं होगी, तो क्यू एन डाइवर्जेंट है तो उसकी जितनी भी सबसीक्वेंस आएगी वो भी डाइवर्जेंट आएगी, तो ये मेरे पास कहां जाने वाला है, इनफाइनाइट जाने वाला है, ओके। तो ए एन के कहां चला गया मेरे पास, 0 पर चला गया, मतलब 0 पर टेंड कर गया, ये इनफाइनाइट आया तो ये 0 पर टेंड कर गया, ओके। जबकि ए एन क्या है मेरे पास, कन्वर्जेंट है, किस पर कन्वर्जेंट है, अल्फा पर कन्वर्जेंट है, और ए एन डज नॉट इक्वल्स टू अल्फा है, और अल्फा ग्रेटर देन 0 है, उसकी सबसीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज हो गई, तो ये इम्पॉसिबल हो गया ना, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पी एन भी होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी, दोनों का प्रूफ मैंने बता दिया आपको कि क्यू एन मेरे पास डाइवर्जेंट क्यों होगी, पी एन मेरे पास डाइवर्जेंट क्यों होगी, ओके। तो सेम है, अच्छा अल्फा लेस देन 0 लोगे तब भी वही गेम है, तब भी वही गेम है, पीएन मेरे पास माइनस इन्फिनिटी चले जाएगी, बस हो गया। पीएन यहां पर मेरे पास इंटीजर लोगे तो पीएन मेरे पास माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, ओके। अल्फा अगर नेगेटिव है तो पीएन को आपको नेगेटिव करना ही पड़ेगा, तो
तो अल्फा पीएन मेरे पास माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। तो यहां पर ये गेम हुआ, अल्फा ग्रेटर देन जीरो। देखिए छोटी करिए चीजों को, आपने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। अल्फा ग्रेटर देन जीरो क्यूएन डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी, अल्फा ग्रेटर देन जीरो पीएन डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी, अल्फा लेस देन जीरो Q1 तो प्लस इन्फिनिटी ही जाएगा क्योंकि Q मेरे पास क्या है, Q1 मेरे पास नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है और Pn इंटीजर की है। अगर नेगेटिव हुआ तो फिर इंटीजर क्या आएंगे उधर, नेगेटिव वाले सारे नेचुरल नंबर आएंगे इसके पास, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। दोनों बातें क्लियर हुई? अच्छा, तो ये बातें क्लियर हुई। सर आपने अल्फा इज इक्वल टू जीरो का फंडा नहीं बताया, तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अल्फा इज इक्वल टू जीरो के बारे में। ओके, तो पहले अब लास्ट में नोट लिख देता है जितना हमने समरी मतलब जितना हमने सीखा तो वो मैं लिख देता हूं, यही पॉइंट आगे काम आने वाला है, आगे पॉइंट ये वाला काम आने वाला है। ओके, इफ लिमिट ए एन इज़ टू अल्फा, ए एन डज नॉट इक्वल टू अल्फा, ए एन बिलोंग्स टू क्यू, ए एन इज इक्वल टू पी एन बाई क्यू एन। ओके, अल्फा पार्ट कर रहा है, इफ अल्फा ओके देन पी एन एंड क्यू एन बोथ आर डाइवर्जेंट, दोनों ही डाइवर्जेंट होगी, दोनों ही डाइवर्जेंट होगी। ओके, कैसे, अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा तो मेरे पास क्या होगा, पी एन भी इन्फिनिटी जाएगी प्लस क्यू एन भी प्लस इन्फिनिटी जाएगी। ओके, और अल्फा लेस देन जीरो होगा तो मेरे पास क्या होने वाला है, पी एन मेरे पास माइनस इन्फिनिटी जाएगी, क्यू एन को तो प्लस इन्फिनिटी जाना है। ओके, तो ये मेरे पास यहां से हमने सीखा। ओके, अगर अल्फा जीरो हो गया, अल्फा अगर मेरे पास अब, अच्छा एक चीज यहां से हाँ देख लेते हैं, अब यहां पर हम सबसे अच्छे फंक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा पॉपकॉर्न फंक्शन की बात करते हैं, पॉपकॉर्न फंक्शन की बात करते हैं कि हम लोग क्या करते थे, जब मेरे पास रैशनल होता था तो 1/q लेते थे उसको, अदर मतलब इरेशनल पर जीरो ले लेते थे। अब अगर मैं पॉपकॉर्न फंक्शन लूंगा यहां पर देख सकते हो, देखिए सिंपल हो गया, अब इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल हो गए, 1/q ठीक है, अगर मेरे पास रैशनल से ले रहा हूं जीरो एल्स। ओके, तो यहां पर एक सीक्वेंस डिफाइन कर लोगे, 1/qn आ जाएगी। अगर आपने ये रैशनल की सीक्वेंस ली है तो q1 कहां टेंड करेगी, प्लस इन्फिनिटी पे, तो इसको भी जीरो पर ही टेंड करना पड़ेगा। तो रैशनल पर भी जीरो आ रहा है, इरेशनल पर भी जीरो आ रहा है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये पॉपकॉर्न फंक्शन हो गया, इसी तरह के आगे मिलते रहेंगे, आप सारे कर लोगे, सिंपल हो गया, आगे जब लिमिट के क्वेश्चन लगाओगे तो आप सिंपल हो गया ये आपके लिए। ओके, तो देखिए सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर का कितना अच्छा फंडा है। ओके, हाँ अब बात करते हैं अल्फा इज़ इक्वल टू जीरो पर। अगर मैं अल्फा इज़ इक्वल टू जीरो की बात करता हूँ, अल्फा इज़ इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इज़ इक्वल टू अगर जीरो है ना, तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि अगर अल्फा जीरो हो गया, ओके, तो क्यूएन देखिए, अगर मैं बात करूं लाइक पीएन बाई क्यूएन की, ओके एन, ओके, तो एक्चुअली क्या है, अल्फा इज़ इक्वल टू जीरो पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं अल्फा इज़ इक्वल टू जीरो पर। मतलब अगर मेरे पास लिमिट एन एन इक्वल्स टू अल्फा है और अल्फा इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कि an मेरे पास अगर 1/n है, ओके, qn मेरे पास प्लस इन्फिनिटी पर ही जाएगी, प्लस इन्फिनिटी आएगी, ओके, तो pn के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते यहां पर, pn के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। ओके, तो यहां पर अल्फा में n मेरे पास क्या है, 1/n है, तो ये qn है, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही है, देखिए, लेकिन pn यहां पर कॉन्स्टेंट है, ये लो pn मेरे पास यहां पर कॉन्स्टेंट है। ओके, अगर मैं an इज इक्वल टू इसी तरह 1/n लू 2/n लू, ऑड n इज ऑड n इज इवन, यहां पर देखेंगे आप qn मेरे पास यहां पर भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लेकिन यहां पर pn क्या है, ऊपर मेरे पास 1 है, यहां नीचे क्या है मेरे पास 2 है, तो इसके लिए कॉन्स्टेंट आ रहा है। ओके, लेकिन अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 था, लेस देन 0 था, तो ग्रेटर देन 0 को प्लस इन्फिनिटी, लेस देन 0 को माइनस इन्फिनिटी था, तो हम यहां पर pn के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तब हम यहां पर न्यूमरेटर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, डिनोमिनेटर हमेशा हमेशा डाइवर्ज करेगा, हमेशा डिनोमिनेटर डाइवर्ज करेगा आपका, आप अल्फा को कुछ भी रखो डिनोमिनेटर, यहां से हमें एक चीज सीखने वाले हैं, मिलने वाली है कि डिनोमिनेटर हमेशा प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ओके, बट यहां पर जो डिनोमिनेटर आएगा वो हमेशा प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा।
ओके अगर मेरे पास अल्फा जीरो है तो मतलब जीरो पर अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो रैशनल की सीक्वेंस है, तो ये आप यहां पर सीख सकते हैं कि न्यूमरेटर कुछ भी हो आपका ऐसा होने वाला है। ओके तो अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, बस ये लेक्चर फिनिश करता हूं। तो इस लेक्चर से आप सीरियसली बहुत कुछ अच्छा सीख जाओगे, बहुत ही अच्छा सीख जाओगे। फिर आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चन लगाइएगा, लिमिट के लगाइएगा, आपसे बनेंगे क्वेश्चन। पीएन बाई क्यूएन के लगाइएगा, आपसे बनेंगे क्वेश्चन। ओके तो हम लोग यहां पर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, अब आप इजिली कर लोगे इसको, इसको आप खुद ही कर लोगे। लिमिट ए एन इक्वल्स टू अल्फा, ए एन बिलोंग्स टू क्यू माइनस अल्फा इफ ए एन इक्वल्स टू पी एन बाई क्यू एन, देन फाइंड द लिमिट ऑफ बी एन। ओके बी एन क्या है, बी एन मेरे पास है, फर्स्ट है मेरे पास बी एन इक्वल्स टू पी एन साइन वन बाई क्यू एन, सेकेंड है मेरे पास बी एन इक्वल्स टू रूट ऑफ वन प्लस पी एन स्क्वायर बाई वन प्लस क्यू एन स्क्वायर, थर्ड पॉइंट है मेरे पास बी एन इक्वल्स टू ई पावर माइनस वन बाई क्यू एन स्क्वायर इंटू वन बाई वन प्लस क्यू एन, फोर्थ पॉइंट है मेरे पास बी एन इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ पी एन प्लस वन अपॉन क्यू एन प्लस साइन वन बाई क्यू एन प्लस कॉस वन बाई क्यू एन। इसको देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है, ए एन मेरे पास अल्फा पर कन्वर्ज कर रहा है, ए एन रैशनल की सीक्वेंस है, डस नॉट इक्वल टू अल्फा, ए एन इक्वल टू पी एन बाई क्यू एन, देन फाइंड द लिमिट ऑफ बी एन की लिमिट हमें फाइंड करनी है। ओके तो मैंने क्या बोला था आपसे कि पी एन, अब फर्स्ट देखते हैं, कभी भी पी एन हो तो उसको अकेला मत छोड़ो, पी एन बाई क्यू एन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो। ओके तो यहां पर क्या करोगे, वही चीज है अभी तो मैंने ये बताया ही था, पी एन बाई क्यू एन करेंगे, वन बाई क्यू एन करेंगे, ये वन पर जाएगा और ये मेरे पास पी एन बाई क्यू एन कहाँ अल्फा पर चला जाएगा, तो ये ओवरऑल अल्फा पर चला जाएगा, फर्स्ट खत्म। ओके फर्स्ट ये खत्म, यहां देखते हैं हम लोग, यहां पर देखेंगे बी एन इक्वल्स टू वन प्लस पी एन स्क्वायर बाई वन प्लस क्यू एन स्क्वायर, फिर से इसको पी एन बाई क्यू एन, पी एन बाई क्यू एन बनाएंगे, वो कैसे करेंगे, क्यू एन स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे हम लोग, वन बाई क्यू एन स्क्वायर प्लस वन आएगा और क्यू एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वन बाई क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर बाई क्यू एन स्क्वायर, कैसे, ऐसे बी एन इक्वल्स टू वन बाई क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर बाई क्यू एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन अपॉन क्यू एन स्क्वायर। रैशनल की सीक्वेंस है, सीक्वेंस अल्फा के इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर कहां जाता है, इनफिनिटी पे, इसका मतलब ये ओवरऑल जीरो पे चला जाएगा। ओके इसमें देखेंगे ये इनफिनिटी पे जाता है, ओवरऑल जीरो मतलब वन आ जाएगा नीचे, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ पी एन स्क्वायर बाई क्यू एन स्क्वायर, और पी एन बाई क्यू एन है क्या एक्चुअल में, पी एन बाई क्यू एन मेरे पास अल्फा पर टेंड कर रहा है ना, तो पी एन बाई क्यू एन मतलब इसको ऐसा कर सकते हो, मेरे पास अल्फा आ जाएगा तो ये आ जाएगा रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर। रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर को एक बात ध्यान रखिएगा अच्छे से, रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर को हम लोग अल्फा नहीं लिखते हैं, अल्फा नहीं लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग मॉड ऑफ अल्फा लिखते हैं, इसको हम लोग मॉड ऑफ अल्फा लिखते हैं। ओके तो इसको हम लोग मॉड ऑफ अल्फा लिखते हैं कि अगर मेरे पास रूट टू स्क्वायर है तो इसको मॉड ऑफ टू लिखेंगे, प्लस माइनस टू, इसको प्लस माइनस टू लिखते हैं, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसको पॉजिटिव नहीं लिखना है हमको, तो ये मॉड ऑफ अल्फा आएगा मेरे पास, तो इसका आंसर ये आ गया। बाकी आप सारा निकाल लोगे, इजी है सारा, ये क्या है ई पावर माइनस वन बाई क्यू एन स्क्वायर, क्यू एन स्क्वायर क्या है, डिनोमिनेटर की सीक्वेंस है, प्लस इन्फाइनाइट जाएगी, इन्फाइनाइट जीरो हो गया मतलब ये वन आ गया, और यहां पर इन्फाइनाइट जीरो हो गया, ये वन इंटू वन बाई इन्फाइनाइट क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये जीरो पर जाएगी बी एन। ओके यहां पर चलिए हम लोग देखते हैं, यहां पर क्यू एन वगैरह का कोई कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है नहीं, यहां पर क्या है वन बाई वन प्लस पी एन है, पी एन क्या है मेरे पास, न्यूमरेटर है ना, तो न्यूमरेटर है ये मेरे पास। ओके यहां पर मत देखो ये डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है, यहां से आप इस, क्योंकि फिर इसका लिंक कर कहां से फिर करोगे आप, पी एन क्या है न्यूमरेटर है, और न्यूमरेटर की सीक्वेंस भी कहां जाती है, प्लस इन्फाइनाइट जाती है सीक्वेंस से, अभी हमने प्रूफ किया था, तो ये भी क्या आएगा मेरे पास प्लस इन्फाइनाइट आएगा, इसका मतलब ओवरऑल ये जीरो चला जाएगा, ये जीरो, ये प्लस इन्फाइनाइट है, ये जीरो, इन्फाइनाइट जीरो, ये जीरो, ये इन्फाइनाइट जीरो, वन, तो इसका आंसर आ जाएगा वन। ओके तो ये क्वेश्चन था, इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन हो गए लगभग आप लगा लोगे, आप लगा लोगे, और लिमिट के जो क्वेश्चन आएंगे जैसे पॉपकॉर्न फंक्शन, रीमान फंक्शन, मतलब ऐसे टाइप के जो भी फंक्शन होंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगा के आप उनको सॉल्व कर सकते हो, उनकी लिमिट एग्जिस्ट करा सकते हो,
कैसे होगा, मतलब कि अगर रैशनल की सीक्वेंसेस दिखे आपको तो वहां पर अप्लाई करके पीएन बाई क्यूएन अप्लाई करके वहां पर उस चीज को देख सकते हो कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, कंटिन्यूटी में भी काम आएगा आपको। ओके, एक और लेक्चर होगा उसमें भी बताएंगे आराम से लिमिट और कंटिन्यूटी का, जिसमें काफी अच्छे से एनालाइज करूंगा, बताऊंगा उस चीज को कि कैसे हम लोग देख रहे हैं। तो वो अगर देख लेंगे आप तो सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा, यहां से भी आपका सारा क्लियर है। ओके, तो ये लेक्चर मैं यहां पर फिनिश करता हूं। थैंक यू।